हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ऊर्जा ग्लोबल कंपनी के शेयर के बारे में। इसमें एक इसके नाम में एक हाईलाइट पॉइंट है, मैं आपको बोल दूं वीडियो स्टार्ट करने से कि ग्लोबल ऊर्जा ग्लोबल पावर सेक्टर का शेयर है, ये कन्फर्म पता है आपको। लेकिन एक और बात बोलूँ आपको कि पावर सेक्टर में आपको कई स्टॉक ऐसे जो उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का शेयर नीचे क्यों आ रहा है? एक तो इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली थी पिछले 5 से 10 डे में, और काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट बुक करके एग्जिट कर लिया हुआ 50-42 रुपीज़ के आसपास के प्राइस पे। लेकिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट बुक नहीं किया है, वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या हमको इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना अभी सही है, नहीं है, क्या करना चाहिए हमको, सारी बातें मैं आपको बोल दूँ इस वीडियो में। देखो, अगर आपको वेट करना है, अगर इन्वेस्ट करना है आपको, तो आपको वेट करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर 5 से 10 दिन के लिए वेट कर रहे हो आप, तो आपको इसकी प्राइस कम से कम 22 रुपीज़ के आसपास की प्राइस पे आपको देखने को मिल जाएगी इसकी प्राइस आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी गिरावट चल रही है इसमें, तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में थोड़ी वो गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि इसकी प्राइस 20 रुपये के आसपास आएगी। हाँ, बिल्कुल आएगी, 22 रुपीज़ के आसपास का इसका टॉप सपोर्ट बन रहा है, वहाँ के शेयर बायबैक हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो कोई भी उम्मीद नहीं, हमको ये नहीं लग रहा है कि ये शेयर बायबैक होने वाला है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बार इसमें रिसर्च कर ले, स्टडी कर ले, अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके बाय सेल या होल्ड करें।